सुप्रीमो पप्पू यादव ने जिंदा जलाकर मारे गए तीन लोगों के परिजनों से की मुलाकात। घटना की सीबीआई जांच के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। DN20 दरभंगा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दरभंगा में भू माफिया द्वारा जिंदा जलाकर मारे गए तीन लोगों के परिजनों से मुलाकात की। पप्पू यादव ने इस घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग की और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे इसके लिए कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करेंगे। बहुत पीड़ित है, हालात अच्छे नहीं, कंप्लीट सुन हो चुका है, एक बस्ती जो जल चुकी है उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार को अविलंब ध्यान देने की जरूरत थी। मेरा डिमांड है कि सबसे पहले आप इस इलाके में घटना के पहले घटना के दिन कितने मोबाइल आए उसकी पूरी जांच, सीसीटीवी कैमरा, कितने लोगों के हाथ में बोतल थे, एक एक चीज़ों को टेक्निकल तरीके से जांचो बड़े लेवल पर। इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। जरूरत पड़ेगी जो जिनके सामने तीन लाशें गई हैं, जो बड़ी बहन के हस्बैंड हैं टीचर हैं, उन्होंने तड़पते हुए मरते हुए देखा, उनके भीतर सीबीआई इंक्वायरी से नीचे की बात नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, मैंने कई बार कहा कि अभी तक शिव कुमार झा के मोबाइल, थानेदार का मोबाइल, विजेंद्र मिश्रा का मोबाइल और इन घरों का, थाने का सीसीटीवी कैमरा कब कौन आ रहे हैं। अब हार्ड डिस्क खत्म कर दिया तो अलग चीज़ है, लेकिन इसकी प्रॉपर जांच होगी तो पता चलेगा उस दिन क्यों। तो अभी 50,000 रुपया, चूँकि हालात अच्छे नहीं हैं, उनके इलाज के लिए मैंने एज ए फैमिली मदद की। सीबीआई इंक्वायरी के लिए ज़रूरत होगी तो PIL फाइल करेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। ज़मीन का व्यापार, ज़मीन की दलाली और ज़मीन माफिया साम्राज्य कायम कर चुका है और इसमें कपिलेश्वर सिंह की भूमिका सबसे खराब है। कपिलेश्वर सिंह भारत से भागे नहीं, उसके लिए सरकार को अविलंब कार्रवाई करना चाहिए। कपिलेश्वर सिंह ने दरभंगा को त्रस्त करने में राज महाराज दरभंगा महाराज के दान की जमीन को अपने स्वार्थ और नेता पदाधिकारी से मिलकर पूरी दरभंगा की जिंदगी छीनने में, लाइफ लाइन छीनने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। इसीलिए ये लड़ाई बहुत बड़ी है और हमें मिलकर लड़ना। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।